हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। तो जिन बच्चों ने आज CS EET क्लियर किया है, उन बच्चों को मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि आने वाले दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे पहले, आप सब लोगों को पता है कि दिसंबर 2021 में आप कोई भी सिंगल ग्रुप दे सकते हैं, राइट? तो अगर मैं बात करूं, आज अगर देखा जाए तो 21 जुलाई है, ठीक है? तो मान लीजिए आप अगर 25 जुलाई से अपनी क्लासेस शुरू करते हैं, तो 25 जुलाई, 25 अगस्त, 25 सितंबर, 25 अक्टूबर, 25 नवंबर और 21 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होता है। अमूमन आपका एग्ज़ाम 21 दिसंबर के आसपास होता है। तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका 1 महीना, यहाँ से यहाँ हो गए आपके 2 महीने, सॉरी, जुलाई से अगस्त हो गया 1 महीना, अगस्त से सितंबर हो गया 1 महीना, सितंबर से अक्टूबर हो गया 1 महीना और अक्टूबर से नवंबर हो गया 1 महीना। टोटल यहाँ पे 4 मंथ्स हो गए हैं। तो 4 मंथ्स का आपके पास टाइम होगा, क्योंकि 25 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में आपको 1 महीना लगेगा सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि सर, हम सोच रहे हैं कि जून 2022 में हम बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करें और हम दिसंबर में कोई भी एग्ज़ाम ना दे, दिसंबर 21 है उसमें हम कोई भी एग्ज़ाम ना दे, और हम डायरेक्टली एग्ज़ाम कब शुरू करें? डायरेक्टली हम एग्ज़ाम जून 2020 में बोथ द ग्रुप्स की एग्ज़ाम दें। आ रहा है ना बच्चों, ऐसा ख्याल आपके मन में डेफिनेटली आ रहा होगा। सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर, अगर हम दोनों ग्रुप देते हैं तो हमें कुछ एडवांटेज है। डेफिनेटली आप दोनों ग्रुप देते हैं तो आपको जून 2022 में अगर आप दोनों ग्रुप देंगे तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है? आप दोनों ग्रुप क्लियर करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों, आपके पास अगर दिसंबर में एग्ज़ाम देने का मौका है, क्योंकि 8 दोनों मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट अगर आप एक साथ दें तो हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रेशर भी आए। अच्छा, जिन बच्चों ने शुरू से ही ठाना था कि भाई जून में दोनों ग्रुप देना है, तो वो बच्चों, मतलब कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पे मेरा मानना ऐसा है कि अगर दिसंबर में आपके पास एक ग्रुप का एग्जाम देने का चांस है तो आप वो चांस ले सकते हैं, यू नो, यू कुड अवेल दैट चांस, ठीक है? सो ये पहला चांस है। लेकिन आप एक ग्रुप, अगर आपके पास आपको फर्स्ट ग्रुप देना है या सेकेंड ग्रुप देना है, तो जहां तक मैं बात करूँ, हमारी क्लास की बात करूँ, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप जो है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस कहीं पे भी हो, फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको पता है कंपनी लॉ टैक्स जो है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी, जैसे हमारे यहाँ पे 250 घंटे की रिकॉर्डिंग अराउंड टैक्स की है, 230 घंटे की रिकॉर्डिंग अराउंड कंपनी लॉ की है। तो बच्चों, यू नो व्हाट, इन दोनों सब्जेक्ट्स में काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ऐसी है कि भाई, यू नो, GIGL और SBC, ये टाइम, इसमें भी आपको काफ़ी सारा टाइम देना है। तो भाई साहब, आपको अगर दिसंबर में एक ही ग्रुप देना है, तो मेरा आपसे कहना होगा सेकेंड ग्रुप आपको देना ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड ग्रुप की हमारी क्लास की टोटल रिकॉर्डिंग जो है, जो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 550 आवर्स के आसपास की है, और वहीं अगर देखा जाए ग्रुप 1 की रिकॉर्डिंग हमारी क्लास की लगभग 650 to 700 आवर्स की है। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि पहले आप क्या करें, अगर आपको दिसंबर में एक ही ग्रुप देना है तो आप क्या कीजिए, ग्रुप 2 दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसी है, कई बच्चे जो सोच के रखे हैं कि जून 2022 में बोथ ग्रुप देना है, डेफिनेटली आप दे सकते हैं जून 2022 में बोथ ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। आप दिसंबर में कोई भी एग्जाम मत दीजिए, और डायरेक्टली आप चाहें तो जून 2022 में आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, और इसकी प्रिपरेशन आपको 25 जुलाई से ही शुरू करनी है। 25th या 26th, जो भी मंडे आने वाला है कमिंग वीक का, आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। और आपको अपनी प्रिपरेशन में प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना है, कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे की क्लासेस। और यहाँ पे हमारा टारगेट ये होगा कि 5 मंथ्स में हम बोथ ग्रुप की क्लासेस खत्म करें, ठीक है? और बच्चों, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस चीज़ के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो अगर आपको दिसंबर में एक ग्रुप देने का टेंशन है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, जून में मैं एक साथ 8 पेपर नहीं दे सकता, मुझे वो प्रेशर नहीं होता, वो बच्चे दिसंबर में एक पेपर देंगे, एक ग्रुप देंगे, और मेरे हिसाब से आप सेकंड ग्रुप दें तो ज़्यादा अच्छा है।
जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं यार मेरे को दिसंबर में एक ग्रुप नहीं देना, मैं दोनों ग्रुप जून 2022 में देने वाला हूँ, आप वो भी कर सकते हैं, बट आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बोथ द ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। अब आप बच्चों अब ध्यान दीजिए, अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हैं दिसंबर में, मतलब सेकेंड ग्रुप मान लीजिए, तो कम से कम आपको दिन में 10 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए कैसे भी करके। और दूसरी चीज़ ये है कि 1 महीने आपको सेल्फ स्टडी करनी, दिन में 10 घंटे देना पड़ेगा। अगर आप जून 2022 में बोध ग्रुप देना चाहते हैं, तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है, रिवीजन के साथ, टेस्ट के साथ आपका सिलेबस जो है लगभग दिसंबर 2021 में खत्म हो जाए, ठीक है। वर्स्ट केस बता रहा हूँ, जैसे अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और या फिर 15 जैन तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी, 5 से 5.5 महीने, ठीक है। तो बच्चों तो चॉइस आपकी है, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आप दिसंबर 2021 में एक ग्रुप दीजिए, जून 2022 में ग्रुप बन दीजिए, क्योंकि दिसंबर से जून में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्वेश्चन सर आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों? अगर शायद मैं अगर सजेस्ट करूं तो मेरे हिसाब से अच्छा ये रहेगा कि पहले आप दिसंबर में ग्रुप 2 दे दीजिए और जून में ग्रुप 1 दे दीजिए, दैट वुड बी बेटर। अब प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि हम दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करके जाएंगे तो एग्जाम में हमको कुछ ज़्यादा, इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा वेटेज मिलेगा, मिलता है, लेकिन आपके केस में जब आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि बॉस तुमने क्यों किया, तो आप बोलोगे कि मेरे पास चॉइस थी सर, मतलब मेरे पास चॉइस थी कि मैंने जुलाई में क्लियर किया था और दिसंबर में मेरे पास एक ग्रुप का चॉइस था इंस्टीट्यूट के सिस्टम के हिसाब से, तो मैंने वो किया। तो उससे कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कम समझा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से आप दिसंबर में ग्रुप 2 दे दीजिए, जून में ग्रुप 1 दे दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। और बच्चों आप सबको ये भी पता है कि 23rd of July को हमारा 1 डे का ऑफर आ रहा है 17,500 रुपीज़ का, बोथ ग्रुप, रिवीजन क्लासेस भी इसमें हैं, रेगुलर क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, देन आपका डाउट सॉल्विंग एंड हार्ड कवर बुक, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बुक्स आपको पता है काफ़ी पॉपुलर होती हैं बच्चों के बीच में, हर एक चीज़ इसमें है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच गॉड।